फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं साउथ इंडियन फेमस डिश टमाटो रसम। इसे टमाटो सारू भी कहते हैं। साउथ में ये काफ़ी पॉपुलर डिश है। इसे राइस के साथ खाया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। 1/2 kg टमाटोज फ्रेश और रेड होना चाहिए। घी तड़का लगाने के लिए, नमक स्वाद अनुसार, हींग और तड़का लगाने के लिए हमें यूज़ करना है चना दाल, उड़द दाल, जीरा, सरसों, सूखी लाल मिर्च और करिया पत्ती। और यह है रसम मसाला बनाने के लिए। उसके लिए मैंने यूज़ किया है फ्रेश धनिया, उसके साथ ही मैंने यूज़ किया है खड़ा धनिया, जीरा, अदरक, काली मिर्च और लहसुन। मैं आप चाहो तो यहाँ पे एक हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने सिर्फ काली मिर्च यूज़ किया और एक पिंच हल्दी। अब हम टमाटो बॉईल करने के लिए पानी रख देते हैं। जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा उसमें 1 by 1 हम लोग टमाटो ऐड कर देते हैं। हम लोग सारे टमाटो ऐड कर देंगे। उसके बाद पानी में जैसे ही बॉईल आता है उसे 1 मिनट तक उबलने देते हैं। जैसे वो 1 मिनट उबल जाएगा, उसका छिलका उतर जाएगा, उसके बाद हम लोग गैस ऑफ करके उसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारे टमाटो ठंडे होते हैं हम लोग रसम मसाला बना लेते हैं। रसम मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हैंड ग्राइंडर यूज़ किया है। आप चाहो तो मिक्सी भी यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने धनिया पत्ती ऐड कर दिया, फिर खड़ा धनिया, अदरक, काली मिर्च, लहसुन, जीरा, ये सारी चीज़ें 1 by 1 डाल के हम लोग इसको हाथ से ग्राइंड करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इसे हाथ से कूटना स्टार्ट कर दिया है। अब यहाँ और कूटने की आवश्यकता है। मैंने इसको थोड़ा सा और ग्राइंड किया। अब मैं चेक कर रही हूँ तो ये ठीक से हुआ नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा और बारीक कर लेती हूँ। अब हमारा रसम मसाला बनके रेडी है। इसको मैं बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब हम बनाते हैं टमाटो रसम। उसके लिए सबसे पहले हम टमाटो का छिलका उतार लेते हैं। उसके बाद हम लोग उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने पोटैटो मैशर यूज़ किया है। आप चाहे तो मिक्सी भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मिक्सी के जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे पोटैटो मैशर यूज़ किया है। अब उसके बाद इसका जो पानी है वो भी हम लोग इसमें डालते हैं, डाल के एक बार मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा ये टमाटो सारू का बेस बन के रेडी है। अब हम इसको लगाते हैं तड़का। उसके लिए सबसे पहले हम लोग गैस ऑन कर देते हैं। जैसे ही हमारा बर्तन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा उसमें हम लोग ऐड करते हैं घी। यहाँ पे मैंने फ्रेश घी यूज़ किया है। आप चाहो तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है उसमें हम लोग ऐड करते हैं चना दाल, उड़द दाल। उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम ऐड करते हैं जीरा, सरसों, सूखी लाल मिर्च, करिया पत्ती, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे रसम मसाला जो हमने कूट के रखा था। उसके बाद हम लोग उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 पिंच हल्दी। हल्दी मैं सिर्फ जस्ट कलर आने के लिए करके डाली हूँ, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ऐड किया है हींग। हींग डाल के हम लोग थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी जो हमने बना के रखा था। टमाटो प्यूरी डाल के हम लोग अपना अभी गैस का फ्लेम थोड़ा हाई कर लेते हैं। उसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब हम यहाँ ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर दीजिएगा। नमक ऐड करने के बाद हम लोग उसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको ढक के रख देते हैं। उसके बाद हम लोग ढक्कन निकाल के चेक करते हैं। 5 मिनट बाद हमारा रसम बन के रेडी है। हमको रसम को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे टमाटो पके हुए हैं। अब हम लोग इसको हरे धनिया से गार्निश कर देते हैं। हमारा रसम बनके रेडी है। अब हम रसम को राइस, पापड़, दही, आलू की सब्ज़ी, आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, अचार के साथ सर्व करें। हमारा हेल्दी टमाटो रसम बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।